हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3D होम्स। मैं आपका दोस्त सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन भी आप देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 फीट बाई 60 फीट के इस प्लॉट के बारे में, जिसमें हमने एक डुप्लेक्स होम डिज़ाइन किया हुआ, जिसमें सारे हमने मॉडर्न फीचर्स एड किए हुए हैं। आज इस प्लॉट के सारे डायमेंशनल को जाने के वाक थ्रू के जरिए इसके इंटीरियर को देखेंगे और इसके 2D लेआउट को भी समझेंगे। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसके 2D लेआउट को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के बीच में ही इसकी प्राइसिंग की बात की जाएगी। अगर आप इस तरह से अपने घर को बनाते हैं तो आपको कितने अमाउंट पे करने पड़ेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियो बनाने के लिए हमें कम से कम 15 दिन लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और वॉक थ्रू के जरिए इसे और डिटेल से देखते हैं। चलिए वॉक थ्रू के जरिए इस प्लॉट में इंटर होते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है। इस प्लॉट में इंटर होंगे तो सामने यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे एक गार्डन डिज़ाइन किया हुआ, जहाँ पे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। बाकी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से ट्रीज, फ्लावर है, जो भी चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमने गार्डन के पर्पज़ से एक छोटा सा एरिया डिज़ाइन किया हुआ। ये मेन डोर है, इसे हम इंटर होंगे तो पहुंच जाएंगे हॉल कम लिविंग एरिया में। यहाँ पे सीलिंग की बात करें तो हमने पूरा POP का सीलिंग डिज़ाइन किया हुआ और उसमें वाइट कलर दिए हुए हैं। फ्लोरिंग की बात करें तो हमने वुडन फ्लोरिंग यूज किया, और सामने वाले वाल पे आपको बेहतरीन वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, जिसके मैच में हमने सीलिंग को भी डिज़ाइन किया हुआ है, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सोफे के सामने ही यहाँ पे आपको TV यूनिट मिल जाएगा, जो कि पूरा प्लाईवुड का बना हुआ, जिसमें हमने वाइट, रेड एंड ब्लैक कलर का सनमाइका यूज़ किया हुआ, जो कि हमने सीलिंग में भी सेम कलर वॉलपेपर यूज किया हुआ है। TV यूनिट के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको L शेप का सोफ़ा मिल जाएगा, जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लगेगा। उसके पीछे आपको विंडो भी मिल जाएगा, जिससे आपको वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। एक छोटा सा सोफ़ा यहाँ पे सामने भी आपको मिल जाएगा, जिसके पीछे भी आपको विंडो मिलेगा, जिसे ओपन करेंगे तो सीधा आप गार्डन में देखेंगे और गार्डन से आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन भी मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं स्टेयर के पास। ये स्टेयर है, इससे आप फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या टेरिस पर यहाँ से जा सकते हैं। इसके सामने ही हमने यहाँ पे एक टेंपल डिज़ाइन किया, क्योंकि हर घर में टेंपल की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग से हमने यहाँ पे टेंपल डिज़ाइन किया, जिसके दोनों तरफ हमने कुरियन का डिज़ाइन भी दिया और पीछे भी हमने कुरियन का डिज़ाइन दिया, और बाकी हमने प्लाईवुड का कवरिंग दिया हुआ है। बाकी अगर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये डाइनिंग प्लस किचन एरिया मिल जाएगा। डाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे 6 चेयर का आपको डाइनिंग टेबल मिल जाता है, और इसके पीछे यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग विंडो मिलेगा, इसे ओपन करेंगे तो अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलेगा, और बाहर आपको यहाँ पे ग्रीन एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये पूरा ग्रीन एरिया है। इसके ऊपर हमने छोटा सा गार्डन के जैसा बनाया, यहाँ पर भी अपनी सीटिंग एरिया बना सकते हैं। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, और सामने ही यहाँ पर आपको वॉशबेसिन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ डाइनिंग पर खाना खाते हैं तो यहाँ पर आप अपना हाथ धो सकते हैं। ये यहाँ पे मॉड्यूलर किचन है, उसके बाजू में ही हमने यहाँ पे बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हर हाल में हर एक बाथरूम की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग से हमने यहाँ पे बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ पे इंटर होंगे तो आपको सामने कमोड नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन भी मिलेगा। बाथरूम के टाइल्स की बात करें तो हमने इसमें क्रीम कलर का ग्रूविंग वाला टाइल्स यूज किया हुआ है, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। फ्लोरिंग में बाकी हमने मार्बोनाइट्स के टाइल्स यूज किए हुए हैं। बाथरूम से बाहर आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे डाइनिंग एरिया के पास, और अभी बढ़ेंगे किचन की तरफ और देखेंगे हमने किचन को किस तरह से डिज़ाइन किया। किचन के टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने मल्टी कलर का टाइल्स यूज किया हुआ है, जो हाइलाइटर के तौर पर सामने आपको नज़र आ रहा है। बाकी किचन यहाँ पे आपको सी शेप का मिल जाएगा, इसमें अपर और लोअर कैबिनेट मिल जाएगा, जिसमें आप अपने किचन के सारे एक्सेसरीज़ को नीचे और ऊपर वाले सभी इसमें खाने में रख सकते हैं। बाकी आपको एक्सेसरीज़ रखने के लिए बाहर जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस प्लॉट के फर्स्ट बेडरूम में इंटर होते हैं और देखते हैं हमने इसे किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपको 6x6 का बेड मिल जाएगा, उसके पीछे आपको पैनलिंग मिल जाएगा, जो नीचे से लेकर ऊपर सीलिंग तक हमने पूरा कंटिन्यू किया हुआ है। राइट साइड में यहाँ पे आपको एक वार्डरोब मिल जाएगा, जिसमें अपने कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। सामने आपको TV यूनिट मिल जाएगा, जो कि पूरा प्लाईवुड का है, उसके ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है, और ये पूरा पैनलिंग हमने इस वॉल से लेकर बेड वाले वॉल तक एक साथ कंटिन्यू किया हुआ है, जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। सामने यहाँ पे वॉलड्रॉप मिल जाता है, और उसके पीछे आपको यहाँ पे मिल जाता है इस रूम का डेडिकेटेड बाथरूम। इसमें इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ग्लास का शावर नज़र आएगा। टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरिंग में और बैक वॉल पे और फ्रंट वॉल पे हमने सेम कलर के टाइल्स यूज किए, बाकी दोनों तरफ वाले वॉल पे हमने ग्रूविंग वाले टाइल्स यूज किए। इस बाथरूम में शावर, कमोड और वॉश बेसन देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ से बाहर निकलते तो यहाँ पर आपको स्टडी एरिया भी मिलता है। उसके बाहर आ जाएंगे पीछे, मतलब प्लॉट के पीछे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्रीनर एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे बच्चों के खेलने के एक्सेसरीज वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन भी मिलेगा।
एक डोर यहाँ पे आपको ऐसा भी मिल जाता है जिससे आप सीधा किचन में जा सकते हैं या किचन से यहाँ पे आ सकते हैं, जैसा अभी हम इंटर हो रहे हैं किचन में डायरेक्ट आगे। अभी चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये तो ग्राउंड फ्लोर था, अभी देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का इंटीरियर हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आप लोग यहाँ से ही वीडियो को स्किप कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आगे फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन ही नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको तीन बेडरूम्स देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और एक बेडरूम मैंने नीचे भी डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए इस बेडरूम में इंटर होते हैं। यहाँ पे आपको 6x6.5 का बेड मिलेगा, पीछे आपको ब्लैक कलर का पैनलिंग मिल जाएगा और विंडो भी मिलेगा वेंटिलेशन के लिए। ऊपर सीलिंग की बात करें तो ऊपर सीलिंग भी आपको POP का ही मिलेगा, जिसको हमने ब्लैक कलर का डिज़ाइन किया हुआ है एक अलग लुक देने के लिए। सामने आपको TV यूनिट मिल जाएगा जो कि पूरा वाइट एंड ब्राउन कलर का है, जो कि हमने पूरा प्लाईवुड में डिज़ाइन किया और उसमें कुरियन भी यूज किया हुआ है। ये छोटा सा सेक्शन आपको मिल जाता है स्टडी एंड कंप्यूटर एरिया, जहाँ पे अपने वर्किंग एरिया भी बना सकते हैं या स्टडी भी कर सकते हैं या आप अपने किसी ऑफिस के काम को भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये एरिया थोड़ा सेपरेट में डिज़ाइन किया हुआ है। प्लॉट की बात करें तो इस प्लॉट को अगर आप ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो आप 40 से लेकर 45 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इतने अमाउंट लगने के बाद ही आप इस तरह से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको एक छोटा सा डोर नज़र आ रहा होगा, जिससे हम इंटर होंगे तो पहुँच जाएंगे इस रूम के ड्रेसिंग एरिया में। हमने इस रूम का ड्रेसिंग डेडिकेटेड एरिया बना के वहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको वार्डरोब नज़र आएगा, जिसमें आप अपने कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए सामने आपको एक विंडो मिल जाएगा और इसके सामने ही यहाँ पे आपको एक छोटा सा डोर नज़र आएगा, जिससे आप इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम में इंटर हो जाएंगे। इसमें इंटर होंगे तो यहाँ पे आपको कमोड मिलेगा और सामने आपको ग्लास का शावर मिलेगा। टाइल्स की बात करें तो ग्रूविंग का टाइल्स है और बाकी सामने वाले वॉल पे हमने डार्क ब्लू कलर के टाइल्स, सामने वाले वॉल पे भी, फ्लोरिंग पे भी और उसके दूसरे वाले वॉल पे भी हमने सेम कलर का ही यूज किया हुआ है। एक हाइलाइटर के तौर पे हमने कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन किया हुआ और यहाँ पे हमने वॉश बेसन को कॉर्नर में डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए इस बाथरूम से बाहर निकलते हैं। बाथरूम से बाहर आ जाएंगे तो फिर बढ़ेंगे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि इस प्लॉट का थर्ड बेडरूम है वो ये है। चलिए इस प्लॉट में, इस बेडरूम में इंटर होते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर हमने किस तरह से डिज़ाइन किया। लेकिन बाथरूम है वो हमको एंट्रेंस पे मिल जाता है, तो चलिए पहले उसमें इंटर होते हैं और देखते हैं कि हमने बाथरूम को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। ये पूरा बाथरूम हमने ब्लैक कलर के टाइल्स से ही डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने एक नॉर्मल सा ग्रूविंग दिया हुआ जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। हमने सेम कलर का फ्लोरिंग भी यूज किया हुआ है और इसमें आपको वॉश बेसिन, शावर और कमोड देखने को मिल जाएगा। इस बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो आ जाएंगे इस बेडरूम में जिसकी हम बात कर रहे थे। इस बेडरूम में आएंगे तो कुछ इस तरह से 6x6.5 का बेड आपको मिलेगा, पीछे आपको रेड कलर का पैनलिंग मिलेगा और दोनों तरफ आपको प्लाईवुड का पैनलिंग भी मिलेगा, जो सीधा सीलिंग से कंटिन्यू होकर सीधा सामने वाले TV यूनिट पर हमने ख़त्म किया हुआ है। लेफ्ट वाले वॉल पर आपको 3D के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, सामने यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से TV यूनिट देखने को मिल जाएगा जो कि रेड कलर का है। और ये पूरा पेंटिंग हमने इस वॉल से लेकर दूसरे वॉल तक कंटिन्यू किया है, जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। और सामने का वॉलपेपर जो 3D का वॉलपेपर है वो इसकी खूबसूरती को और भी इजाफा करता है। चलिए अभी इंटर होते हैं इस रूम के ड्रेसिंग एरिया में, जो कि हमने इसमें भी सेपरेट डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि इसके लिए हमने अलग से जगह देने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने सोचा इसको सेपरेट डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा डोर नज़र आ जाएगा, इससे इंटर होंगे तो सामने यहाँ पर आपको वॉलड्रॉप नज़र आएगा। इस वॉलड्रॉप में आप कपड़े वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं और सामने आपको ड्रेसिंग मिरर मिल जाएगा। मेन से आपसे आप कपड़े निकाल के यहाँ पे पहन के और मेकअप वगैरह करके यहाँ से ही आप निकल सकते हैं। आपको रूम में किसी तरह की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रूम आपका सेपरेट खाली ही रहने वाला है। यहाँ से आपको सामने ही आपको बड़ा सा बालकनी नज़र आएगा, जिससे आप बाहर निकलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन भी मिलने वाला है और व्यू तो अच्छा मिलने ही वाला है बाहर का। ये काफ़ी लंबा बालकनी है, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने दिया हुआ, ये छोर से लेकर वो छोर तक। चलिए इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं और सामने वाले बेडरूम जो कि इस प्लॉट का फोर्थ बेडरूम है उसमें इंटर होते हैं। इसमें इंटर होंगे तो इसका इंटीरियर मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने डिज़ाइन किया पर मुझे ही ये सबसे अच्छा लगा। ये 6x6.5 का बेड है, इसके पीछे आपको कुछ इस तरह से ब्लैक कलर का पेंटिंग मिल जाएगा, ऊपर सीलिंग आपको मिल जाएगा जिगजैग का जो कि ब्लैक कलर का किया हुआ, जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। राइट साइड में यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे दो सोफा लगा हुआ है, सिटिंग एरिया हमने यहाँ पे बनाया। ऊपर सीलिंग इसको भी हमने वाइट कलर में ही कंटिन्यू किया हुआ है और पूरा प्लाईवुड का नीचे से लेकर ऊपर तक सीलिंग बनाया हुआ है। सामने आपको TV यूनिट मिल जाएगा, वो भी हमने प्लाईवुड में ही किया हुआ, लेकिन हमने वाइट कलर में ही पूरा डिज़ाइन किया हुआ, पूरा सनमाइका वाइट कलर का लगा हुआ, बीच में हमने डार्क ब्लैक कलर का थोड़ा सा सनमाइका लगा के उसको हाईलाइट किया हुआ है। TV यूनिट के बाजू में ही आपको एक डोर नज़र आ जाएगा, इससे इंटर होंगे तो हम इस रूम के ड्रेसिंग में इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड वाले वॉल पे आपको वार्डरोब देखने को मिल जाएगा, उसके सामने ही आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा।
वार्डरोब के सामने ही आपको एक डोर नजर आएगा जिसमें हम इंटर होंगे तो इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम में इंटर हो जाएंगे। इस बाथरूम में इंटर होंगे तो यहाँ पे आपको मल्टी कलर के टाइल्स मिलने वाले हैं। सामने ही आपको बाथटब मिलने वाला है, इसमें हमने शावर नहीं यूज किया हुआ है, इसमें हमने बाथटब लगाया हुआ है जो भी हमने ग्लास के केबिन के अंदर। यहाँ पे आपको वॉश बेसन और कमोड देखने को मिल जाएगा। चलिए बाथरूम से बाहर निकलते हैं और वापस आ जाते हैं उसी रूम में, और अभी बढ़ते हैं बालकनी की तरफ, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि हमने इसमें दोनों तरफ बालकनी दिया हुआ है जिससे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा बने रही। यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो भी है, इसे ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलने वाला है। यहाँ पे खड़े हो जाएंगे बालकनी में तो आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। चलिए अभी इसका एक्सटीरियर व्यू देख लेते हैं कि हमने इसका एक्सटीरियर किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगला वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आगे भी आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।